पावरग्रास रूट इम्पैक्ट स्टार्टअप संस्थान द्वारा महिलाओं एवं महिला पुलिस कर्मियों के सशक्तिकरण के संदर्भ में कार्यशाला का आयोजन होटल सेलिब्रेशन में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि आईपीएस प्रमोद कुमार आर के अग्रवाल द्वारा दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉक्टर विक्रम सिंह, पूजा सिंह, सुरभि निगम ने महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित शिक्षा पर व्याख्यान प्रस्तुत किया। महिलाएं किस प्रकार से धनार्जन, स्वास्थ्य और व्यवसाय संबंधी कामों को कर सकती है, इसको लेकर के वीडियो के माध्यम से जानकारी दी गई। मोबाइल ऐप ऑनलाइन वीडियो द्वारा लेक्चर आयोजित हुआ। कार्यक्रम में पुलिसकर्मियों के बच्चों को किस प्रकार सहायता प्रदान की जाए और उनकी आय के साधन में किस प्रकार बढ़ोतरी हो, उस पर भी चर्चा की गई। महिला सशक्तिकरण जो है वो समाज की बहुत बड़ी ज़रूरत है। जैसा कि आप समझें, कोई एक बीज होता है, उसमें पौधे बनने की क्षमता पूरी होती है, फूल भी लगेगा, फल भी लगेगा और वो छाया भी देगा। परंतु अगर वो बीज को प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा, पानी खाद नहीं मिलेगी, तो वो पेड़ कभी नहीं बनेगा, फल पौधा उसमें कभी नहीं निकलेगा। वैसे ही जो हमारी महिलाएँ हैं, जो बच्चियाँ हैं, जो नारी हैं, वो प्रभु ने ही उनको सशक्तिकरण दे के भेजा है, लेकिन हमें अपने अगल बगल वो एनवायरनमेंट देना पड़ेगा। हर आदमी ये चाहता है कि दूसरे के घर में ऐसा हो, लेकिन हमको अपने घर पे, अपने घर में देखना पड़ेगा। हमें अपने घर में लड़के और लड़की के बीच में अंतर नहीं करना पड़ेगा। हर आदमी ये आपने सुना होगा कि लड़के कभी रोते नहीं हैं, और तो हम अपने आप ही बता रहे हैं कि रोना एक वीकनेस है, महिलाएं रोती हैं तो वो वीक हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमको लड़का लड़की के बराबर में करना चाहिए। अगर हम अपनी माता का, अपनी वाइफ का बराबर इज्जत करेंगे तो लड़के हमारे वही देखेंगे, बच्चियों को भी सशक्तिकरण मिलेगी। तो उनकी एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो राइट्स और रूल्स सरकार ने बहुत सारे बना लिए, कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे बन गए, लेकिन जब तक हम लोग उनको मानेंगे नहीं, जब तक उसका ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूशन नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो हमारी संस्था है पावर, उसका टैगलाइन है ग्रास रूट इम्पैक्ट, मतलब हम जड़ों के लेवल पे काम करके एजुकेशन के थ्रू सब चीज़ों, सब लोगों को एम्पावर करेंगे, जिसमें फाइनेंशियल लिटरेसी, लीगल लिटरेसी, हेल्थ लिटरेसी और एंटरप्रेन्योरशिप लिटरेसी है, ताकि वो पैसे का हिसाब रखना जाने, कोई पैसे की उन्हें बात पता हो, बैंक का काम कर पाएँ, घर में अगर कोई आपदा आ जाए तो वो घर के पैसे का हिसाब कर पाएँ।